साथियों नमस्कार। साथियों मैं विवेक शर्मा गुरुदेव ऑर्गेनिक में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और परम पिता परमेश्वर से कामना करता हूं कि आप सभी लोग प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे एवं खुश होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम काफी दिनों से 6-7 सालों से जैविक खेती अपने गुरुदेव ऑर्गेनिक फार्म पर कर रहे हैं और पूरी तरह से प्राकृतिक रूप से है, गौमूत्र आधारित है, गौ माता आधारित है। और उसी कड़ी में हम माननीय डॉक्टर श्री कृष्ण चंदा जी के द्वारा बनाए गए OWDC का प्रयोग करते हैं, गाढ़े गौमूत्र का प्रयोग करते हैं। और OWDC के द्वारा जो उत्पाद बनाए जाते हैं, जो भी फंगीसाइड, पेस्टिसाइड या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो भी बनाए जाते हैं, वो हमारे फार्म पर सभी OWDC के द्वारा ही बनाए जाते हैं और उन्हीं का प्रयोग हमारे यहाँ किया जाता है। तो पिछला वीडियो हमने डाला था हमारे गेहूँ के प्लांट का, 226 जो देसी गेहूं है, बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक है और स्वादिष्ट भी होता है, उसका डाला था। तो कुछ कमेंट्स आए थे, उन्होंने कहा था कि साहब आप डालते हुए तो दिखा देते हो लेकिन उसके बाद का जो रिजल्ट होता है वो आपने नहीं बताया है। तो मैं आज जो अपने फार्म पर हूँ, मैं खेत के अंदर खड़ा हुआ हूँ और आपको दिखाने वाला हूँ कि जो हमने पिछला जो स्प्रे किया था, और वो स्प्रे किया गया था गाढ़े गौमूत्र के साथ में OWDC था, 10% OWDC हमने उसमें मिक्स किया था, 10% हमने उसमें पत्तियों का अर्क लिया था, 10% हमने उसके अंदर लिक्विड गॉड मैनुअल लिया था और 10% ही हमने स्टोन एक्सट्रैक्ट भी उसके अंदर लिया था। जबरदस्त उसका रिजल्ट हमको मिला है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इस खेत के अंदर भी। और एक खेत और है जो इससे हमारी बहुत लेट पिछेती बवाई हम उसको कह सकते हैं, उसका भी मैं आपको अगले वीडियो में दिखाने का काम करूंगा। तो आइए मैं आपको उसका रिजल्ट दिखाता हूं। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, ये हमारा पूरा 2 एकड़ का एक प्लाट है और इसमें 226 वैरायटी का गेहूं लगा हुआ है और 226 बहुत पुरानी वैरायटी है। और प्रोडक्शन के मामले में इसको देखा जाए तो ये पहले से ही थोड़ा इसका प्रोडक्शन कम रहता था और जब से हाइब्रिड आए हैं तब से इसको कम पैदावार वाली किस्म मान करके किसानों ने करना छोड़ दिया था। लेकिन आप भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि जो पुराने देसी गेहूं हुआ करते थे उनकी पैदावार कम ही होती थी, उसके बाद जो हाइब्रिड गेहूं आए उनकी पैदावार बहुत अधिक, इनके मुकाबले बहुत अधिक थी। इसीलिए हमारे किसान साथियों ने पैदावार को देखते हुए इनकी बुवाई बंद कर दी और वो लगाना शुरू कर दिया। लेकिन जो न्यूट्रिशन वैल्यू है, वो न्यूट्रिशन वैल्यू हमारे उन देसी गेहूं के अंदर होती थी, इन हाइब्रिड्स के अंदर कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होती है। तो स्वास्थ्य के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे जो देसी गेहूं हैं वो सबसे उम्दा होते हैं। तो आप देख पा रहे हैं ये, और ये हमारा देसी गेहूं लगभग पकने की तरफ है। मैं समझता हूं 10 दिन में इसमें पक कर ये तैयार हो जाएगा। और जो भी हमारे साथी वीडियो को देख रहे हैं और हमसे जैविक गेहूं अगर लेना चाहते हैं तो वीडियो में जो नंबर दिया गया है आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। हम अपने सभी उत्पादों की डिलीवरी, गेहूं हो, चावल हो, सरसों का तेल हो या दालें हो, सभी की हम डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया करने का काम करते हैं। तो और ये जो प्लाट आप देख पा रहे हैं, ये 1 एकड़ का प्लाट है, इसके अंदर हमने देसी बंसी गेहूं लगाया हुआ है और बहुत ही अच्छा ये देसी गेहूं बंसी गेहूं का प्लाट है और ये भी लगभग अपनी पूरी पकाव की तरफ है। आप देख रहे हैं, ये देखिए आप, इसकी आप बाली देख सकते हैं, बहुत अच्छी इसकी बालियां हैं। ये देखिए आप, तो हम कह सकते हैं कि हमें जो OWDC से जो उत्पाद हमने तैयार किए हैं अपने फार्म के ऊपर और गाढ़े गौमूत्र के साथ जो उनका हमने प्रयोग किया है वो वाकई लाजवाब है, बहुत अच्छा है। ये देखिए, और ये जो एक प्लाट है लगभग 1 एकड़ से थोड़ा कुछ कम है, थोड़ा सा कम है, ये हमारे काले गेहूं का है। ये देखिए आप बालिश का,
और इसके बारे में आपको बताऊं, ये टाइम से काफ़ी पिछेती बबाई है, तो अभी इसमें पानी भी लगेगा और स्प्रे भी होगी। आज हम स्प्रे कराने वाले थे लेकिन मौसम अनुकूल न होने के कारण आज स्प्रे हम नहीं करा पाए हैं, और स्प्रे इसके अंदर अभी वही होगी, गाढ़े गौमूत, और गाढ़े गौमूत के साथ में माइक्रोन्यूट्रेंट, बकरियों का गोट मैन्योर, पत्थर का एक्सट्रैक्ट और लीव एक्सट्रैक्ट, ये सब इसके अंदर होने वाला है, तो इसका भी बहुत अच्छा होगा। एक वीडियो में जिस समय इसकी हार्वेस्टिंग हम लोग करेंगे उस समय भी आपको दिखाने का काम करूंगा कि देखिए, और लास्ट का वीडियो जो होगा उसके अंदर हम सारा इसका एक कैलकुलेट करके आपको बताने का काम भी करेंगे। वैसे सभी कुछ आपके सामने है, आप देख सकते हैं। मैंने आपको एक प्लाट 226 का भी दिखाया, पीछे एक प्लाट आपको देसी बंसी गेहूं का भी दिखाया, और ये आपको ब्लैक व्हीट दिखाया जा रहा है, जो काला गेहूं है, जो बहुत ही लाभदायक होता है। और ख़ास तौर पे इसकी जो विशेष खूबी है कि इसके अंदर एंथोसाइनिन होता है, और ये फाइबर इसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है, एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होता है, और ग्लूकोज लेवल इसके अंदर नहीं होता है। जैसा बताया गया है कि इसके अंदर ग्लूकोज लेवल ना के बराबर है, फाइबर बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो ये अधिकतर शुगर पेशेंट्स के लिए बहुत लाभदायक भी है। और जैसा कि हम अपना एक्सपीरियंस भी है हमारा, हम देख पा रहे हैं कि शुगर पेशेंट्स इसको हमसे लेते भी हैं, और वो बताते हैं कि उनको शुगर लेवल को कंट्रोल करने में बहुत मदद करता है। और जो भी हमारे साथी वीडियो को देख रहे हैं और हमसे जैविक गेहूं अगर लेना चाहते हैं, तो वीडियो में जो नंबर दिया गया है आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। हम अपने सभी उत्पादों की डिलीवरी, गेहूं हो, चावल हो, सरसों का तेल हो या दालें हो, सभी की हम डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया करने का काम करते हैं। तो आगे फिर आपसे एक मुलाकात करेंगे, एक अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय जय हिंद।